गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे IERT एंट्रेंस एग्जाम के लिए अनसॉल्व पेपर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको IERT एंट्रेंस एग्जाम के लिए हरियत पब्लिकेशन की बुक से अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट, 2021 में जो भी IERT एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैथ को कवर करेंगे, उसके बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रत्येक अनसॉल्व पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सबसे पहले 2021 का कराऊंगा, फिर 2020 का, फिर 2019 का, इस तरीके से वन बाय वन करके प्रत्येक अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, किस पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व करवाया जा रहा है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया हो, या 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया हो, या 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका 2023 में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यदि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ कर जाते हैं तो डियर स्टूडेंट आप बेस्ट से बेस्ट नंबर ला सकते हैं अपने आप IERT एंट्रेंस एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 2021 के अनसॉल्व पेपर का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा पार्ट टू के रूप में, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 51 से आपके मैथ के क्वेश्चन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका इस प्रकार से है, यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सामान्य अंतराल 9 है, तो पदों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है ये आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है और जो सामान्य अंतराल दे रखा है वो आपको 9 दे रखा है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्रथम पद ए की वैल्यू दे रखा है 17 और अंतिम पद एल की वैल्यू दे रखा है 350, और जो सामान्य अंतराल है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपको दे रखा है 9, तो पदों की संख्या आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अंतिम पद और प्रथम पद पता हो तो वहां पर आपको फार्मूला लगाना होता है, L बराबर A प्लस का N माइनस 1 इनटू का D के रूप में। तो L की वैल्यू आपका है 350, A की वैल्यू आपका है 17 प्लस का N माइनस 1 और D की वैल्यू 9 रख दो, तो 350 में से आप 17 घटाओगे तो कितना मिलेगा 333 बराबर N माइनस 1 इंटू का 9, 9 से काट लो तो 9 त्रिक 27 बचे 6 दिन 9 सत्ते 63, यानी कि N माइनस 1 बराबर आपने निकाल लिया 37, तो N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 38, यानी कि जो पदों की संख्या होगी वो आपका 38 हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझते जाइए। आप 2 से 3 क्लासेस हमारा अच्छी तरीके से ले लीजिए, आपको मैथ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका इस प्रकार से है, बोला है श्री ए और कुमार बी मित्र हैं, इनकी जन्म तिथि भिन्न होने की प्रायिकता है,
जबकि लीप वर्ष की गणना न करें। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर ये होता है, डियर स्टूडेंट, जो आपका लीप वर्ष होता है वो आपका 366 दिन का होता है, और जो आपका सामान्य वर्ष होता है वो आपका 365 दिन होता है। तो दो व्यक्ति की बात हो रही है, एक ए है और एक बी है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भिन्न भिन्न हो। तो यदि इनका डेट ऑफ बर्थ भिन्न भिन्न होगा तो प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता आपका 364 बट्टे का 365 होता है। कि भिन्न भिन्न हो सकते हैं तो एक कंडीशन होगा, यदि भिन्न सेम हो सकते हैं दोनों के डेट ऑफ बर्थ तो आपका प्रायिकता 365 बटे 365 होता है। यानी कि यदि दोनों के डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन हो सकते हैं, एक ही तारीख में दोनों के डेट ऑफ बर्थ होते तो प्रायिकता आपका 365 बटे 365 होता। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि दोनों के जो जन्म तिथि है वो भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न के कंडीशन में 364 बटे 365 होंगे, क्योंकि एक को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों के जन्म तिथि है अलग अलग है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 52 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि केंद्रीय प्रवृत्तियों की तीन मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। तो केंद्रीय प्रवृत्तियों के माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट एक आपको सिंगल सा फार्मूला याद में रख रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है बहुलक बराबर तीन गुणे माध्यिका माइनस का दो गुणे माध्य। इस सिंगल से फार्मूले को डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस सिंगल से फार्मूले से आप माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध भी याद कर सकते हैं, और डियर स्टूडेंट यदि आपको माध्यिका और माध्य दे दिया रहे बहुलक भी याद कर सकते हैं, या माध्यिका और बहुलक दे दिया है तो माध्य भी याद कर सकते हैं। यानी कि इन तीन चीजों में से यदि दो चीजें आपको दे रखा है तो एक चीजों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और तीनों में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से चारों ऑप्शंस को देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, दो गुणे माध्य बराबर दो गुणे माध्य प्लस बहुलक बराबर तीन गुणे माध्यिका, तो जब दो गुणे माध्य को आप राइट साइड लेंगे तो आपका इस तरीके से फार्मूला के रूप में आ जाएगा, बहुलक बराबर तीन गुणे माध्यिका माइनस दो गुणे का माध्य। कब? जब दो गुणे माध्यिका को आप राइट साइड ले जाएंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस तरीके से बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई आपका 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार देता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना। तो डियर स्टूडेंट आपका एक शंकु का आकार है जिसकी ऊंचाई आपका 24 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है और आधार की त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर है, इस शंकु से एक गोले का निर्माण होता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट शंकु के द्वारा हम गोले का निर्माण कर रहे हैं तो गोले की त्रिज्या बताना है। तो करते क्या है, शंकु के आयतन को डियर स्टूडेंट हम गोले के आयतन के बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि शंकु के द्वारा ही गोला बनाया जा रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर मैंने मान लिया कि ये आपका गोले की त्रिज्या है और स्मॉल आर मैंने मान लिया कि शंकु की त्रिज्या। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मिलेगा आपको आर स्क्वायर इंटू पाई एच बराबर 4r³। अब सारी वैल्यू रख दो तो शंकु की त्रिज्या 6 दे रखा है तो 6×6 हो जाएगा, ऊंचाई आपका शंकु का 24 दे रखा है बराबर 4r³, 4 से काट दो तो 4×6=24, तो मिलेगा आपको 6×6×6 बराबर r³।
तो आर क्यू की वैल्यू आपका 6 × 6 × 6 है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो गोले की त्रिज्या होगी वो आपका 6 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, तो क्वेश्चन नंबर 55 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घने को आपस में सिरों से जोड़ दिया गया है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना है। 64 सेंटीमीटर आयतन के दो घन हैं जिनको आपस में जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। आयतन दे रखा है घन का, वो आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है ए क्यू, ए की वैल्यू आपको दे रखा है 64, तो ए क्यू की वैल्यू 64 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर वाले दो घन को आपस में जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपका घनाभ तैयार होगा, एक आपका ए 4 सेंटीमीटर का घन है और एक आपका ए 4 सेंटीमीटर का। तो बात करें जो नया घन होगा उसकी लंबाई क्या होगी, जो नया घनाभ होगा उसकी लंबाई तो होगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अब आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2lb प्लस का bh प्लस का hl के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा 2l की वैल्यू 8 गुणे b की वैल्यू 4 प्लस का b की वैल्यू 4 गुणे h की वैल्यू 4 प्लस h की वैल्यू 8 गुणे l की वैल्यू 4, तो इसी को सॉल्व कर लो, तो 2 8 + 32 प्लस 4 + 16 प्लस 8 + 32, तो 32 × 64 और 16 कितना होता है 80, और 80 × 2 करोगे कितना होगा, 80 × 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभ का जो आयतन होगा वो आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56, बस ध्यान से डियर स्टूडेंट आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए, मैं मैथ को इतना सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा, यानी इतना आसान कर दूंगा कि आपके जो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में, मैक्सिमम आप 50 से 40 मिनट के अंदर आप 37 क्वेश्चन को हल कर जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दे रखा है कि sec a + tan a एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस का साइन है, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, एक ब्रैकेट में दे रखा है sec a प्लस का tan a और एक ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस का sin a, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। sec a को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपान का cos a प्लस का tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपान cos a के रूप में, एक ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो। अब देखो बाहर आपका 1 माइनस का साइन ए है तो 1 माइनस का साइन ए लिख दिया, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कॉस ए नीचे आएगा, आप ऊपर में आपको मिलेगा 1 प्लस का साइन ए, ठीक है, और ये आपका बाहर में आपका 1 माइनस का साइन ए है। अब देखो 1 प्लस का साइन ए एक ब्रैकेट में, 1 माइनस का साइन ए आपका एक ब्रैकेट में हो गया, तो 1 प्लस का साइन ए 1 माइनस का साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के रूप में, और नीचे आपका कास ए है ही, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे आपका कास ए है ही, कास ए से कास ए कैंसिल, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कास ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी will be the right answer for question number 57। अब देखिएगा dear students question number 57,
तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को भी, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 57 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपका इस प्रकार से है, पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको कि यदि दोनों के त्रिकोणमितीय फलन समान हो और दोनों के कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर हो तो उसका मान एक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के त्रिकोणमितीय फलन समान है, यानी कि यह साइन है तो यह भी साइन है, और दोनों कोणों का योग आपका 90 डिग्री के बराबर है तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका एक आएगा। ये तो मैंने ट्रिक से बताया। अब बेसिक से समझो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 27 डिग्री और प्लस का ये आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के रूप में है, इसका मान एक होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा एक काम से, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 58 को भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस एक बार अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़कर जाइएगा तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका डियर स्टूडेंट कि साइन 2a बराबर 2sin a है तो a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखना बिल्कुल आसान सा इजी क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, बोला है कि साइन 2a बराबर आपका 2sin a है तो a का मान बताओ। तो साइन 2a का फार्मूला लगा दो, क्या होता है 2sin a इंटू का cos a बराबर आपका है 2sin a, तो 2sin a से 2sin a कैंसिल, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos a बराबर a। अब देखना डियर स्टूडेंट cos a, cos में कितने डिग्री का मान एक होता है, तो cos में cos 0 डिग्री का मान एक होता है, यानी कि cos 0 डिग्री, एक की जगह पर मैंने लिख लिया cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान एक होता है, cos से cos कैंसिल तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59, तो ध्यान से समझते जाइए प्रत्येक क्वेश्चन को, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को भी डियर स्टूडेंट, बोला यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस का sin थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का sin थीटा / 1 प्लस का cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो cot थीटा की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपको दे रखा है 7/8 के रूप में, आपको बताना है 1 माइनस का sin थीटा एक ब्रैकेट में हो और 1 प्लस का sin थीटा एक ब्रैकेट में हो और बटे का 1 प्लस का cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा, इसका मान क्या होगा बाबू, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, 1 माइनस का sin थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का sin थीटा है, यानी कि a माइनस का b और a प्लस b के रूप में है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर नीचे देखना, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b है, तो 1 प्लस का cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर थीटा के रूप में, एक का स्क्वायर एक होता है तो इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपका होता है cot स्क्वायर थीटा,
अब कॉस थीटा की वैल्यू आपका 7/8 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 49/64 के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 का डियर स्टूडेंट आपका 49/64 का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 59/64 will be the right answer for question number 59। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझते जाइए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को शानदार तरीके से कवर कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है, आपको 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या आने वाला है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो पहला गुणज 8 का 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा आपका 24 होगा, कितने पदों तक, 15 पदों तक आपको योग बताना है, कितने पदों तक, 15 पदों तक। देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ कि पहला 8 है दूसरा 16 है, तो 15 में क्या होगा, 15/120 होगा, लेकिन यहीं पर यदि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पूछ लिया जाता, यहाँ पर 15, 30, 45 यानी 15 का गुणज का पूछ लेता, 59 पदों का योग कर बताओ, तो वहां पर आपको फार्मूला लगाना पड़ता। तो इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से बताता हूँ, जिससे इस टाइप के कितना भी लेंदी या कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम 15वां पद निकाल लेते हैं, तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इनटू का t। अब देखो 15वां पद निकालना है, यानी कि टर्म 15वां टर्म निकालना है, a की वैल्यू आपका 8 है, n की वैल्यू कितना होगा 15, क्योंकि हमको 15वां पद निकालना है, माइनस का 1, b की वैल्यू कितना होगा, तो 16 में से 8 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब देखो 15वां पद निकाल लो, तो यहां से 8 हो जाएगा, 15 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 15 में से 1 घटाओगे डियर स्टूडेंट आपको मिलेगा 14, और 14 गुणे 8 करोगे तो मिलेगा आपको 112। तो यहाँ से 15वां पद आपको कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, यानी कि जो श्रेणी आपकी तैयार हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 8, 16, 24 .. 120, इन पदों का योगफल आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान से समझिएगा, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो योगफल कैसे निकालते हो, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हो, जब प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता हो तो योगफल का फार्मूला होता है s बराबर n by 2 a plus n के रूप में। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता हो, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 15, क्योंकि 15 पदों का योगफल निकालना है, बटे का 2, a की वैल्यू आपका 8 है और लास्ट टर्म आपने निकालना है 120 है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 15/2 120 और 8 कितना होगा, 128, 2 से काटो तो 2 × 12 2 × 4, अब गुणा कर लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 × 60 को 0 और 15 × 90 96, यानी कि 960 योग होगा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को भी, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 को भी सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 61 को आप ध्यान से समझिएगा, बोला है रुपया 700 की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की गई, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रथम पुरस्कार को राशि क्या होगी ये आपको बताना, यानी कि डियर स्टूडेंट 700 रुपए हैं, इनको 7 लोगों में इस तरीके से बांटना है कि जो आपका प्रथम पुरस्कार पाता है स्टूडेंट उससे 20 रुपया कम आपका उससे नीचे वाला पाए
और उससे नीचे वाला उससे भी 20 रुपया कम पाए, यानी कि 20-20 रुपया कम होता जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो प्रथम पुरस्कार विजेता है उसको 100 रुपया मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, एक्स माइनस का 20, क्योंकि 20-20 रुपया स्टेप बाय स्टेप कम हो जा रहा है। तीसरे को कितना मिलेगा, एक्स माइनस का 40, क्योंकि जो तीसरा स्टूडेंट होगा इससे भी यानी दूसरे से भी 20 रुपया कम पाएगा। और चौथा क्या पाएगा, चौथा आपका एक्स माइनस का 60 पाएगा, क्योंकि जो चौथा पैसा पाता है तीसरे से भी 20 रुपया कम। पांचवा क्या पाएगा, एक्स माइनस का 80। छठवा क्या पाएगा, एक्स माइनस का 100। और सातवा क्या पाएगा, एक्स माइनस का 120। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, क्योंकि 20-20 रुपया कम मिलता है तुलना में आपके अगले वाले पुरस्कार विजेता से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट जोड़ लेते हैं इन टोटल का पुरस्कार का जो योग है, इन सातों पुरस्कार का जो योग है वो आपका 700 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स, ये आपका हो जाएगा 7 एक्स माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60। अब माइनस 60 और माइनस 60 जोड़ोगे माइनस 120 और 80 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 420, यानी कि 7x माइनस का 420 की जो वैल्यू है वो आपका 700 के बराबर है, क्योंकि इन 700 को ही 7 पुरस्कार में बांटा गया है और 7 पुरस्कारों का जो योग है वो आपका 7x माइनस का 420 है, जो कि 700 के बराबर है। तो यहाँ से 7x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 700 में 420 जोड़ोगे तो 1120 आ जाएगा। 7 × 1 = 7 बचेगा 4, 2, 7, 6, 42, 0 यानी x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 107। x आपने किसको माना था, x आपने माना था प्रथम पुरस्कार विजेता को, जिसको मिलेगा 107। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में यही बताना था कि प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी होगी, तो प्रथम पुरस्कार की राशि आपका 107 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 61 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। प्रथम पुरस्कार विजेता को 107 रुपये मिलेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम पुरस्कार विजेता को कितने रुपये मिलेंगे, तो कितना रुपये मिलेगा अंतिम वाले को, कितना मिलेगा, 107 माइनस का 120 यानी कितना, 40 रुपया अंतिम वाले को मिल जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 62 को भी बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि आपको यह बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। देखिएगा 3 अंकों की संख्या लेना है तो सबसे पहले जो 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या आएगी वो आपका 105 है, क्योंकि आपका 15 × 7 = 105 होता है। यदि आप 105 से नीचे जाओगे तो आपका 2 अंकों की हो जाएगा। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित होगी वो आपका होगा 105। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो जो 7 से विभाजित हो, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले 3 अंकों की आप बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 लिख लीजिए। अब आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या देखना है कि जो 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पर हम 7 से काटते हैं। देखो 7 × 1 = 7 बचेगा 2, 9 7 × 4 = 28 बचेगा 1, 9 फिर 7 × 2 = 14 यानी कि 5 की कमी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 हमारा शेषफल बढ़ा है। तो 999 से जो 5 कम वाली संख्या होगी वो आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो आपका 7 से विभाज्य होगी। तो 999 से 5 कम क्या होता है, 994। आपको यह पता चल गया कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य है वो आपका 105 है, और जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाज्य है वो आपका 994 है। और आपको दो ही संख्या से मतलब है, तो पहला आपका 105 हो जाएगा, तो दूसरा कितना होगा, 112 है, तीसरा कितना हो जाएगा, 119। इसी तरह से आपका चलता जाएगा। अब देखना, आपको पदों की संख्या निकालना है ना, तो सिंगल सा फार्मूला ध्यान में रखो, n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का वन।
यही फार्मूला लगाओगे तो आपको पदों की संख्या निकल जाएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 62 की तरह। तो देखो लास्ट टर्म आपने निकाला है 994 माइनस का फर्स्ट टर्म आपका है 105, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का है तो 7 हो जाएगा, अब प्लस का बाबू कर दो 1, तो 994 में से 105 घटाओ तो 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 बटे का 7 प्लस का 1, 7 से काटो तो 7 एकम 7 बचेगा 1 8, 7 दूना 14 4 9 7 7 4 तो 127 यहाँ से और 1 यहाँ से मिलेगा तो मिल जाएगा आपको 128, यानी कि जो पदों की संख्या होगी वो आपका 128 होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 7 से विभाजित जो 3 अंकों की संख्याओं की संख्या होगी वो आपका 128 होगा। तो ध्यान भी रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से साल्व कीजिएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बोला गया है श्रृंखला 3, 8, 13, 253 के अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है। अंतिम पद से बाबू 20वां पद बताना है, श्रेणी आपको दे रखा है 3, 8, 13, 8, 13, 253 के रूप में आपको बताना है अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद निकालने का या अंतिम पद से 40वां पद निकालने के लिए पूछे जाए, अंतिम पद से n-वां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है an बराबर l माइनस का n माइनस 1 इनटू का t। यह फार्मूला अंत से n-वां पद का फार्मूला है। आपको 20वां पद निकालना है यानी n की वैल्यू 20 लेना है, लास्ट टर्म कितना है 253 माइनस का n की वैल्यू है 20 माइनस का 1, d की वैल्यू कितना आएगा तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 5, तो d की वैल्यू आप रख दो 5, तो इसी को आप हल कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20वां टर्म निकाल लो तो 253, 20 में से 1 घटाओगे 19, आप 19 का गुणा 5 में करोगे तो 19 बचे कितना होगा 95, घटा लो 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 14 में से 9 जाएगा 5, फिर यहाँ पर 1, यानी कि जो 20वां टर्म होगा वो आपका 158 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 63 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64, यदि डियर स्टूडेंट आपको अपने आईईआरटी इंटरेंस एग्जाम में टॉप 100 रैंक के अंदर लाना है तो आप कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर सेट जरूर सॉल्व कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ प्रत्येक सेट का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ध्यान से समझते जाइएगा, लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं उसके आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए अपने आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 290 है तो संख्याएं बताएं। दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं के वर्गों का योग आपका 290 है तो संख्याएं क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 64 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं मानोगे क्या, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो पहली आपका क्रमागत विषम संख्या है वो आपका 2x प्लस का 1 है और जो दूसरी क्रमागत विषम संख्या है वो आपका 2x प्लस का 3 है। इनके वर्गों का योग 290 है तो हम वर्गों का योग कर देते हैं तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपको कितना है 290 के बराबर। अब सॉल्व कर लो डियर स्टूडेंट, तो देखो इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर पर बोलो
मिलेगा आपको 4x² + 1 + 2ab, यानी कि 2 × 4 × 1 कितना होगा 4x। इसको भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बोलो तो ए स्क्वायर यानी 4x² प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2ab, तो 2 × 4 = 12x बराबर आपका हो जाएगा 200। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 4x² आपका हो जाएगा 8x², 4x और 12x आपका हो जाएगा 16x, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 209। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8x² प्लस का 16x, ये 10 आपका राइट साइड जाएगा तो 290 में से 10 घटाओगे 280 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 8x² प्लस का 16x, 280 को लेफ्ट साइड लाओ माइनस का 280 बराबर जीरो। अब देखो तीनों से आप 8 का मान ले सकते हो, तो तीनों जगह से 8 का मान लोगे मिलेगा आपको x² प्लस का 2x माइनस का 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40 बराबर जीरो। अब आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो 35 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 2 आए, तो 7 × 35 होता है, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा x² प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 बराबर जीरो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन दोनों से डियर स्टूडेंट आप x का मान ले लो, तो जब x का मान लोगे तो मिलेगा आपको x प्लस का 7। इन दोनों में से डियर स्टूडेंट आप माइनस का 5 का मान ले लो, तो जब माइनस का 5 का मान लोगे तो मिलेगा x माइनस का 7, x प्लस का 7। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट में x प्लस 7 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 5। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो निगेटिव आएगा जो कि लेना नहीं है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से आपकी x की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 5 यहाँ पर रखोगे तो पहली विषम संख्या निकलेगी, तो 2 × 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 11, और जो दूसरी विषम संख्या कितना होगा 2 × 5 प्लस का 3, यानी दूसरी विषम संख्या हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से तो पहली विषम संख्या होगी 11 और दूसरी विषम संख्या होगी 13, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11 और 13 दोनों क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं होंगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को भी, बिल्कुल सिंपल सा एबी क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है ए भी आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते जाइए, मैं बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। एक बात और ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 64 है इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे देख लो एक सेकेंड में। देखो जैसे पहला ऑप्शन बाबू आपको दे रखा था 11 और 13, तो आपको ऐसी दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या लेना है जिनकी वर्गों का योग आपका 290 है। तो यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 के बराबर आ जाता तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर ए से भी आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते, फिर सी, फिर डी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते कि जिस ऑप्शन से दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290 होता वही आपका ऑप्शन सही होता। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर ए से ही क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो किन दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका दी गई संख्या के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 को आप ध्यान से समझिएगा, बोला है डियर स्टूडेंट के का वह मान जिसके लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस का 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y प्लस b बराबर 0 की प्रणाली का कोई हल ना हो। तो डियर स्टूडेंट दो समीकरण के कोई हल ना होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन नंबर 65 है, दो समीकरण के कोई हल ना होने का कंडीशन जो होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट a1 / a2 बराबर b1 / b2 = c1 / c2। यह कंडीशन कब होता है,
जब कोई हल ना होने का कंडीशन बनता है दो समीकरण, तो ध्यान से समझिएगा। पहला समीकरण आपको दे रखा है 3x minus y plus का 5 बराबर 0, पहला समीकरण आपको दे रखा है 3x minus का y plus का 5 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 6x minus 2y plus k बराबर 0, 6x minus का 2y plus का k बराबर 0। अब सारी वैल्यू रख दो, यहां से डियर स्टूडेंट आप a1x plus b1y प्लस का c1 बराबर 0 से कंपेयर कराओगे समीकरण 1 को, और जो आपका समीकरण 2 दे रखा है इसको आप a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से कंपेयर कराओगे, तो a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a1 की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस का 1 मिल जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 2 मिल जाएगा, c1 की वैल्यू कितना मिल जाएगी 5 मिल जाएगा, और C2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा k मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेते हैं, आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो या इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, आपको k की वैल्यू निकालना है। तो क्या है नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो नॉट इक्वल टू आपका C1 बटे C2 मैंने कर दिया। अब देखो इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 5 / k, ये नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी k नॉट इक्वल टू 10, यानी कि k की वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा जब k की वैल्यू 10 ना हो। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा दो समीकरण में कोई हल ना होने का कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को भी। बोला है k का वह मान जिसके लिए रेखाएं 3x plus 4y बराबर 5 और 3x 5x plus 3y बराबर 4 और kx plus का 4y बराबर 6 एक ही बिंदु पर मिलती है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 66 है इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 66 है थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, तो इसको हम सॉल्व अभी नहीं करता हूं क्योंकि गलती या क्वेश्चन दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 आपका इस प्रकार से है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के पश्चात बने संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 67 को, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के पश्चात बनी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता, ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम दो अंकों की संख्या ले लेते हैं, तो दो अंकों की संख्या मैंने ले लिया 10x प्लस का वाई की रूप। फिर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि यदि अंकों की दो अंकों की संख्या है और अंकों का स्थान आपस में बदल दिया है, तो जब अंकों का स्थान आप आपस में बदलेंगे तो यही आपका 10x plus y है, ये आपका हो जाएगा 10y plus x की दूरी। तो अंकों की संख्या बदलने पर इनका जो अंतर है डियर स्टूडेंट कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो 10x plus का y माइनस का 10y माइनस का x, तो 10x में से 1x घटाओगे 9x, और माइनस का 10y में से प्लस का y घटाओगे तो माइनस का 9y, तो 9 कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x माइनस का, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं 9 के मल्टीपल में आ रहा है। कब? जब अंकों की संख्या में से अंकों को संख्या को बदलने पर अंतर जो है वो आपका 9 का मल्टीपल आ रहा है। आपको यह बताना है कि नहीं हो सकता। तो देखो 9 के मल्टीपल में कौन है, ऑप्शन नंबर ए भी आपका 9 के मल्टीपल में है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका 9 के मल्टीपल में है, ऑप्शन नंबर सी भी आपका 9 के मल्टीपल में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका 9 के मल्टीपल में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बीच का अंतर नहीं हो सकता।
तो बीच का अंतर आपका ऑप्शन नंबर डी 48 नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीच के अंतर हो रहे हैं वो आपके 9 के मल्टीपल में आ रहा है। तो 9 के मल्टीपल में ए भी है, बी भी है और सी भी है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका 9 के मल्टीपल में नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68 बोला है, यदि त्रिभुज एबीसी सी पर समकोणीय है तो आपको बताना है कि cos a + b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 68। इस तरीके से आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें आपका कोण सी समकोणीय हो। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए है, इसको मैं मान लेता हूँ बी है, इसको आप मान लेता हूँ सी है। ये आपका 90 डिग्री है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोण सी समकोणीय है तो मैंने समकोणीय बता दिया। आपको बताना है कि cos a + b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि आपका कोण सी 90 डिग्री है तो कोण a और कोण b का जो योगफल होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा। तो कोण ए और कोण बी का जो योगफल होगा वो भी आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। तो ए आपका यदि सी 90 होगा तो कोण ए और कोण बी का योगफल भी 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की जगह पर 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 69, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 69 को। मैंने बोला है यदि sec a + tan a बराबर x है तो tan a का मान क्या है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो 69 बोला है कि sec a प्लस टेन ए की जो वैल्यू है वो आपका एक्स के बराबर है, तो आपको टेन ए की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका sec a + tan a का मान एक्स के बराबर हो तो इसका जो संयुग्मी होता है sec a माइनस का टेन ए की जो वैल्यू होगी वो आपका 1/x के बराबर होगा। आपको टेन ए की वैल्यू निकालना है ना, तो टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको आप एक मान लो, इसको आप दो मान लो। तो टेन ए की वैल्यू से मतलब है तो घटा देते हैं, तो ये मैंने घटा दिया, सब जगह घटा दो, तो यहाँ पर घटाओगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। टेन ए आपका हो जाएगा 2 tan a बराबर, इसमें से घटाओ तो x माइनस का आपका हो जाएगा 1/x। तो 2 tan a की जो वैल्यू आ जाएगी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो x² माइनस का 1/x होगा। तो यहाँ से आपका टेन ए की जो वैल्यू होगी वो आपका x² माइनस 1/2x होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 69 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जो वैल्यू आपसे पूछा जाता है उसके प्रोस्पेक्टिव आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमको टेन ए आपका देखो ये माइनस में होगा, वो तो ठीक है माइनस इंटरसेप्ट जो है ना। तो ध्यान में रखिएगा जो वैल्यू आपको निकालना है उसके प्रोस्पेक्टिव काम करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 70, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका है डियर स्टूडेंट, बोला है कि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3 cos थीटा, जो थीटा का मान है वो आपका 0 और 90 के बीच है, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। साइन थीटा बराबर कड़ी में 3 cos थीटा दे रखा, क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर कड़ी में 3 cos थीटा। देखो cos थीटा को बट्टे में लेकर आ रहा हूँ, तो साइन थीटा बट्टे का cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपका कड़ी में 3 होगा। साइन थीटा बट्टे cos थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, बराबर है आपका कड़ी में 3। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन के पदों में कितने डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। यानी कि जो थीटा का मान होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 का डियर स्टूडेंट आपका
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो आपको कंडीशन दिया जाता है उसी के अनुसार सॉल्व करना है। आपको जो थीटा की वैल्यू निकालना था वो 0 और 90 के बीच निकालना था, तो 0 और 90 के बीच मैंने 60 डिग्री निकाल दी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 71 को। बोला है यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो थीटा एक न्यून कोण हो तो tan क्यू थीटा प्लस cot क्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 71 को। बोला है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका 2 है, तो tan क्यू थीटा प्लस cot क्यू थीटा की वैल्यू बता दो जबकि थीटा आपका न्यून कोण है। तो क्वेश्चन में ही सारी चीजें आपको दे रखा है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण का मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपका 0 और 90 के बीच में है, ये तो आपको समझ में आना होगा। अब देखो, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वैल्यू पुट मेथड से सॉल्व करना है। अब वैल्यू पुट मेथड होता क्या है, आपको थीटा की ऐसी वैल्यू सोचना है कि यहाँ पर राइट साइड में 1-2 आ जाए। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि tan 45 डिग्री हो या cot 45 डिग्री हो उसका मान 1 होता है, यानी कि यदि मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लूं तो कहीं ना कहीं हमारा राइट साइड में 2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 45 डिग्री, हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cot स्क्वायर 45 डिग्री बराबर आपको 2 चाहिए। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 यहां से मिलेगा, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 यहां मिलेगा, तो यानी कि आपका 2 बराबर 2 आ जा रहा है। इस तरीके से जो थीटा का मान होगा वो आपका 45 डिग्री होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था tan q थीटा प्लस का cot q थीटा। तो यहां पर जब थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का क्यूब करोगे 1 मिलेगा, cot 45 का मान 1 होता है, 1 का क्यूब करोगे 1 मिलेगा, तो इसका भी आंसर आपका 2 ही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 71 का भी डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इस तरीके से कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यदि यहाँ पर पावर 3 ना होकर के 50 दे दिया रहे, 100 दे दिया रहे, 200 दे दिया रहे, तो उसका भी मान 2 ही होता, क्योंकि यदि 1 का पावर आपका 50 हो या 1 का पावर 500 हो उसका तो मान 1 ही आने वाला है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72 आपका डियर स्टूडेंट कि दो आदमी और 7 लड़की एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। केवल क्वेश्चन नंबर 72 मैं सॉल्व करवाऊंगा, लास्ट के 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 को आप ध्यान से समझिए। बोला है कि दो आदमी और 7 लड़की, यानी कि 2 आदमी 7 लड़की, यानी कि 2 मैन और 7 बॉयज किसी काम को डियर स्टूडेंट 4 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन, 4 आदमी और 4 लड़के जो है उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसी काम को एक लड़का कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम आदमी और लड़के की क्षमता निकाल लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, 4 गुना 8 एम प्लस का 28 बी बराबर 3 चौक को 12 एम प्लस का 12 बी। अब देखो 12 एम में से 8 एम घटाओगे कितना मिलेगा, 4 एम, और 28 बी में से 12 बी घटाओगे कितना मिलेगा, 16 बी। 4 से काट दो तो 4 बार में, यानी कि क्या मिल जाएगा, m बराबर आपको मिल जाएगा 4b। तो m बटे b की वैल्यू निकालोगे क्या मिलेगा, 4/1, यानी कि एक आदमी की क्षमता 4 है और एक लड़के की क्षमता 1 है।
अब आप टोटल वर्क निकालो, चाहे आप यहाँ से टोटल वर्क निकालो या यहाँ से टोटल वर्क निकालो, दोनों जगह से आपका समान आने वाला है। तो m की वैल्यू 4 लेंगे, b की वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो 4 गुणे m की वैल्यू 4 प्लस का 4 गुणे b की वैल्यू 1, अब बाहर आपका 3 है। तो देखो 4 चौक 16 और 4 यहाँ से 20, अब 20 गुणे 3 करोगे 60, यानी जो टोटल वर्क है वो आपका 60 है। इसको एक लड़के द्वारा किया जाना है, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो एक काम की रेट से 60 काम को करने में 60 दिन लगेंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, एक लड़का उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73, 74 और 75 को सॉल्व करो और बताओ इन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।